So, दोस्तों just now we have solved add the following. Now they are giving subtract. Means वो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं जिससे आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस हो जाए. सब्ट्रैक्ट 3PQ पी माइनस क्यू फ्रॉम 2PQ पी प्लस क्यू. सबसे पहले यहां पे हमें देखना है फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स सेकेंड टर्म विल बी कम एट द फर्स्ट प्लेस. मीन्स हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा 2PQ पी प्लस क्यू, ये पहली प्लेस पे आएगा, माइनस 3PQ पी माइनस क्यू. अगर वो देते कि सिंपल सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, यहाँ पर एंड होता तो हम ये टर्म पहले लिखते माइनस ये टर्म सेकेंड प्लेस पे लिखते. बट हेयर दे हैव गिवन फ्रॉम, तो हमने सबसे पहले फ्रॉम का मीनिंग किया. नाउ वही स्टेप आपके, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा. बस आपको बहुत ध्यान से लिखना है 2PQ मल्टीप्लाई बाय पी, ऑपरेशन है प्लस 2PQ मल्टीप्लाई बाय क्यू. फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया माइनस. सिमिलरली यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा एंड इससे भी होगा. 3PQ मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 3PQ मल्टीप्लाई बाय क्यू. बीच में ऑपरेशन वही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है. फाइन. नाउ नंबर्स अगर होते तो यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होता, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन ओनली 2. यहाँ पर 1 है तो 2 1s are 2. पी एंड पी विल बी मल्टीप्लाई एंड इट विल गिव यू पी स्क्वायर क्यू एज इट इज प्लस, यहाँ भी 2 1s are 2, पी एज इट इज बिकॉज देर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ पी बट क्यू एंड क्यू. कैसे आएगा ये प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है. आई विल राइट डायरेक्टली क्यू स्क्वायर. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली 3 1s are 3, पी स्क्वायर क्यू माइनस 3PQ स्क्वायर. ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, बट अब आगे जो सिंप्लीफाई होगा अगेन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा. ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस है, अंदर की जो टर्म्स हैं उनके जो भी साइन है इसका प्लस है इसका माइनस, जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2P² प्लस 2PQ स्क्वायर माइनस 3P² प्लस 3PQ स्क्वायर. साइन जो है वो हमने चेंज कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा, सेम लाइक टर्म छाटे आप. दिस एंड दिस आर लाइक टर्म, सो ये हम साथ में लिख देंगे क्यू माइनस सॉरी प्लस 2PQ स्क्वायर प्लस 3PQ स्क्वायर. ये सॉल्व होंगे तो सब्ट्रैक्ट होके इट विल गिव यू माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस ये हमें देगा 5PQ स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले आप 5PQ स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू. दोनों का आंसर में कोई मतलब चेंज नहीं है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस 5P स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर. आइदर दिस और दिस यू कैन राइट विच एवर यू वॉन्ट. और अब ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है. सो इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन सब्ट्रैक्ट, बट सब्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था दैट इज फ्रॉम. फ्रॉम होने से हमें इमीजिएटली क्लिक होना चाहिए कि इसे हमें पहले लेना है एंड इसे हमें बाद में लेना है. ठीक है, नाउ अनदर इज, नाउ नेक्स्ट इज अगेन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्ट बट थोड़ा सा लेंदी है तो आपको बहुत ही केयरफुली इसे सॉल्व करना है. सब्ट्रैक्ट दो पार्ट है, फर्स्ट इज 3L
एल माइनस फोर एम प्लस फाइव एन फ्रॉम फोर एल ब्रैकेट के अंदर है टेन एन माइनस थ्री एम प्लस टू एल. हाँ, इट्स वेरी लेंदी राइट, बट है बहुत इजी. सबसे पहले फ्रॉम है तो वो वाला टर्म हम पहली प्लेस पे लिखेंगे. 4l ब्रैकेट के अंदर 10n माइनस 3m प्लस 2l. बहुत नीटली आपको इसे क्वेश्चन को करना है. 3l l माइनस 4m प्लस 5n. अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल क्वेश्चन को फॉर्मेट में सेट किया है. मीन्स दे हैव गिवन फ्रॉम, सो आई हैव रिटन सेकेंड टर्म एट द फर्स्ट प्लेस. स्टूडेंट यहाँ पर आप चाहें तो इसे इकट्ठा सॉल्व करें, चाहें तो इसे फर्स्ट पार्ट और इसे सेकेंड पार्ट करके सॉल्व करें, डिपेंड्स ऑन यू. मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ. इसका मल्टीप्लाई इससे इससे एंड इससे होगा. तो हम बहुत ही नीटली इसे लिखेंगे 4l मल्टीप्लाई बाई 10n. ऑपरेशन माइनस 4l मल्टीप्लाई बाई 3m. नाउ ऑपरेशन इज प्लस 4l मल्टीप्लाई बाई 2l. ये आपका हो गया फर्स्ट पूरा पार्ट. माइनस अब सेम प्रोसीजर 3l के साथ, 3l मल्टीप्लाई बाई l माइनस 3l मल्टीप्लाई बाई 4m प्लस 3l मल्टीप्लाई बाई 5n. ठीक है ना. नंबर नंबर 10 फोर जो 40, l और n मल्टीप्लाई होके देंगे आपको एल एन. माइनस 4 थ्री जा 12 एल एम प्लस 4 टू जा 8 एल इंटू एल विल गिव यू एल स्क्वायर. आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है ना. 3 वन जा 3 एल एंड एल विल गिव यू एल स्क्वायर. 4 थ्री जा 12 एल एम प्लस 5 थ्री जा 15 एल एन. राइट नाउ सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तभी हम आगे के सोच सकते हैं कि हमें स्टेप क्या होंगे. 12 एल एम प्लस 8 एल स्क्वायर. ब्रैकेट के बाहर माइनस है सो सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. प्लस का 3l स्क्वायर विल बिकम माइनस का 3l स्क्वायर. माइनस का 12lm विल बिकम प्लस का 12lm. एंड यहाँ माइनस आ जाएगा 15lm. अब ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है. अब आप यहाँ पे लाइक टर्म जो है वो कलेक्ट करेंगे. ये भी ln है, ये भी ln है. दिस इज lm एंड दिस इज lm. And this is L square and this is L square. ये सारी टर्म का कलेक्शन करेंगे हम. So my next step will be 40 L N minus 15 L N. Right? L square वाले ले लेते हैं. 8 L square minus 3 L square. उसके बाद है हमारी टर्म ये वाली एंड ये वाली. आप चाहे तो कॉपी करें, अदरवाइज ये यहीं पे कैंसिल हो रही है बिकॉज ये भी 12lm है, ये भी 12lm है, ये माइनस का है, ये प्लस का है. तो इट विल गिव यू रिजल्ट जीरो. ठीक है, आपको चाहे तो आप एक स्टेप आगे लिखें, अदरवाइज इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. तो अब आपका फाइनली ये स्टेप हुआ. इसके बाद मैं इसे यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. 40ln में से 15ln सब्ट्रैक्ट होंगे तो 24ln आएंगे, प्लस के आएंगे बिकॉज 40 जो है बिगर नंबर है और उसका साइन क्या है, प्लस है. सिमिलरली 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होंगे सो इट विल गिव यू 5l स्क्वायर, और वो भी प्लस के बिकॉज 8 इज ग्रेटर एंड इट इज अ प्लस साइन. तो ये आपका आंसर हो गया. यहाँ पर हमने इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया है, आप एक स्टेप चाहे तो एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन दिखने में लेंदी था बट अगर केयरफुली सॉल्व करें तो देखिए उसका आंसर कितना छोटा सा आया है. तो सब्ट्रैक्ट में हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करेंगे
सबसे पहले हमें फ्रॉम का ध्यान रखना है, एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन को चेंज करना नहीं भूलना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, मीन्स उसमें प्लस भी आएगा, उसमें माइनस भी है, उसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, ठीक है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, थ्री क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेशंस, ठीक है। फर्स्ट इज 15a² माइनस 6a a माइनस 2 प्लस a 3 प्लस 7a। दोस्तों सीबीएसई वाले भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जिसमें आपका हर तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रिवीजन हो जाए। इसमें मल्टीप्लाई भी इंक्लूड हो गया है, इसमें माइनस प्लस भी है, और ये सिंप्लीफाई हमें करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया। नाउ 15a² विल बी एज इट इज। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6a का मल्टीप्लाई a से होगा, ऑपरेशन कॉपी, 6a का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये हमने सॉल्व कर लिया। प्लस यहाँ भी यही स्टेप अप्लाई होगा, a का मल्टीप्लाई 3 से होगा, देन a का मल्टीप्लाई 7a से होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। 6a मल्टीप्लाई बाय a विल गिव यू a स्क्वायर, बिकॉज a टू द पावर 1 है, 1 और 1 ऐड होगा, सो इट विल गिव यू 2। नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो 6 2 12a। सिमिलरली 3a प्लस 7a स्क्वायर, बिकॉज यहाँ भी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। नाउ 15a² ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो इट विल बिकम माइनस, ये माइनस है सो इट विल बिकम प्लस, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ प्लस ही है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, फाइन। नाउ विल कलेक्ट लाइक टर्म, दिस दिस एंड दिस आर लाइक टर्म, क्योंकि सब में a स्क्वायर है, प्लस 7a² These are like term, so 12a plus 3a. इसको सॉल्व करेंगे, प्लस और प्लस की टर्म ऐड हो जाएंगे, 22a² माइनस 6a² अभी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। 12a प्लस 3a क्या हो जाएगा आपके पास, 15a। ना इसको जब सॉल्व करेंगे, 22a² में से 6a² सब्ट्रैक्ट होंगे, सो इट विल गिव यू प्लस 16a², बिकॉज 22 बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर का साइन हमेशा अप्लाई होगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी के साथ सेम पैटर्न का करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x² 1 - 3y, y² प्लस xy² माइनस 2x अगेन माइनस 3y माइनस 4x² y। अगेन इट इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, द पर्पस इज कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसका सारा मिक्सचर सॉल्व करना आ जाए, आपको कंफर्टेबल बनाना है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए गए। काफी लंबा क्वेश्चन है तो हम बहुत केयरफुली इसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी इससे भी, सो इट विल गिव यू x² × 1 माइनस x² × 3y², ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। प्लस सेकेंड पार्ट इसका इससे मल्टीप्लाई, x² माइनस x² 2x, सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड
थ्री वाई का इससे मल्टीप्लाई एंड इससे, थ्री वाई इंटू वाई माइनस थ्री वाई इंटू फोर एक्स स्क्वायर वाई। तीनों पार्ट हमने बहुत ही नीटली जॉट डाउन कर लिए। अब एक्स स्क्वायर इंटू वन विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो वन थ्री जै थ्री, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर एंड उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है, वन टू जा टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। थ्री वाई इंटू वाई विल गिव यू थ्री वाई स्क्वायर माइनस, नंबर है यहां पर तो थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड ये वाई एंड ये वाई मिलके हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस है, अंदर के साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो ध्यान से करेंगे, थ्री वाई स्क्वायर नेगेटिव हो गया एंड प्लस का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फाइनली ऑल ब्रैकेट्स आर ओपन, नाउ वी कैन कलेक्ट लाइक टर्म एंड वो है एक्स स्क्वायर एंड ये, तो ये साथ में आ जाएंगी, सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। नाउ अनदर लाइक टर्म्स आर दिस दिस एंड दिस, इनको कलेक्ट कर लेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फाइनल टर्म जो कि बिल्कुल किसी से मैच नहीं कर रही वो हमने लास्ट में लिख दी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देगा रिजल्ट माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, दीज आर थ्री टर्म्स, एक माइनस की है दो प्लस की हैं, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लें, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना होगा थर्टीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्टीन में से थ्री जब सब्ट्रैक्ट होगा तो टेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें एज ए रिजल्ट मिलेगा एंड लास्ट टर्म का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। स्टूडेंट आपको रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पर ये स्टेप जो बीच का हमने लिया है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक बार फिर से कराना चाहूँगी, ये दोनों इसके आगे कुछ नहीं है मीन्स वन है, 12 प्लस 1 कैसे ऐड करते हैं हम, लाइक टर्म जब भी हमारे पास होती हैं तो नंबर नंबर ऐड हो जाते हैं एक्सप्रेशन एज इट इज। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, 13 माइनस 3 हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन में हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, जब भी हमारे पास लाइक टर्म हुई, लेट से हमारे पास 100x माइनस 50x है तो हमें 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है, x विल कॉपी एज इट इज, लाइक टर्म होना जरूरी है तभी वो एड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो लाइक टर्म जब भी होंगी तो हमें केवल जो आगे के नंबर्स हैं उनको सॉल्व करना है और जो भी वेरिएबल है उसको कॉपी करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन विच वॉज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, सब पूरा कॉम्बिनेशन हमने लेके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। स्टूडेंट अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मैम ने हर तरह का क्वेश्चन लिया प्लस माइनस इनटू, बट मैम ने डिवीजन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, तो क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन नहीं होता है, होता है। तो अब हम मूव करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई की हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगी, आप उनको और प्रैक्टिस करिएगा ना। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मल्टीप्लाई ही होगा, बट कैसे होगा वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, 8x² y² / 2xy डिवाइड, क्वेश्चन है आपका डिवाइड दिस बाय दिस। स्टूडेंट सबसे पहले हम सिंपल स्टेप जो होता है, बाय का मतलब होता है डिवीजन, राइट? आइदर वी कैन राइट इन दिस मैनर और ऐसा, जैसा आप चाहें। पहले आप क्वेश्चन को फॉर्मेट में सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ डिवाइड, तो मैंने सिंपली लिख लिया है। नाउ डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो हम मल्टीप्लाई में करते थे वैसा ही यहां पर होगा, नंबर का नंबर से डिवाइड होगा। सबसे पहले तो साइन हम अरेंज कर दें, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस, ये माइनस हम डिनोमिनेटर की जगह कहां पर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में। नाउ 2 से 8 कैंसिल होगा, 2 4 जा 8। अब हमारे पास जो एज ए रिजल्ट आया 4x² y² माइनस भी है अपॉन एक्स वाई। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, 4x² अपॉन एक्स के नीचे लाइक लाइक टर्म, y² अपॉन वाई, इनके बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है? आप देखिए 4 माइनस था x² एंड ये x है। यहां पर आपको दो तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, इफ वी हैव सिचुएशन x^m डिवाइडेड बाय x^n देन पावर विल सब्ट्रैक्ट बिकॉज द ऑपरेशन इज डिविजन। अगर यही मल्टीप्लीकेशन होता तो पावर एड हो जाती। अब आप यहां चाहें तो वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है? देखिए दोनों में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, 4x^1 बिकॉज 2 - 1 = 1 y^1, सो फाइनली इट इज 4xy। अगर आपको प्रॉपर्टी रिकॉल नहीं हो रही, पहली बात तो रिकॉल होना ही चाहिए बिकॉज वी आर लर्निंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट स्टिल इफ यू फॉरगेट द प्रॉपर्टी देन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका सेकेंड तरीका, अल्टरनेट मेथड यहाँ पे होगा, 4x² y² अपॉन एक्स वाई, यही था हमारा एक्सप्रेशन। आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं x (x)y (y) अपॉन, नीचे आपके पास क्या है, x (y), ठीक है? अब क्या होगा, एक x से एक x कैंसिल, क्योंकि ये लाइक है, सेम टर्म, जैसे मल्टीप्लाई हो सकती है, ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसे ही ये कट भी सकती हैं, कैंसिल भी हो सकती हैं, एंड वाई वाई क्या हो गया, कैंसिल। सो अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई विच इज इक्वलेंट टू -4xy। मल्टीप्लाई हम जनरली नहीं लिखते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4xy। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था, ये पावर 2 है या पावर 3 है, 4 है, उस तरीके को सॉल्व करने के लिए तो इजी था, मींस अल्टरनेट मेथड इज कन्वीनियंट और इजी इफ द पावर्स आर 2, 3, 4। बट अब लेट्स से यहाँ हमने 100 कर दी, x^100 एंड y^50, तब क्या आप इसे ओपन करके लिखेंगे? नहीं, तो मैंने कंपैरिजन के लिए ही आपको ये अल्टरनेट मेथड बताया था, बट आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका मैं रीजन आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि पावर जो है काफी इंक्रीज्ड है, लाइक हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाता -4x^49 y^-10 अपॉन एक्स वाई, तो फिर हम क्या करते, क्या हम इसे ओपन करते x(x)(x)(x)(x)? नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली प्रॉपर्टी जैसे मल्टीप्लाई में हम इमीडिएटली अप्लाई करते हैं एंड पावर को ऐड कर देते हैं, इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सेम हम यहाँ भी क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, तो हम करेंगे
बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, इसकी पावर कुछ नहीं है मीन्स वन है, एंड यहाँ भी बेस सेम है, देखिए वाई है वाई है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा 49 माइनस वन इज 48 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस वन इज माइनस 11। तो क्या आपको ये समझदारी लगेगी कि हम इसे ओपन करें? नहीं। तो अल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया ही इसलिए कि आप कंपेयर कर सकें कि छोटा सा क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज यू विल प्रिफर ओनली द फॉर्मूलाज और यू कैन से आइडेंटिटीज। ठीक है, अब डिविजन हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो अब हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। न सेकेंड एग्जाम्पल इज डिवाइड विच इज बेस्ड ऑन डिवाइड माइनस 15 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वेयर बाय माइनस 5 एक्स वाई जेड स्क्वेयर। अगेन वही तरीका, आइदर यू कैन राइट वाई जेड स्क्वेयर बाय मीन्स डिवाइड माइनस 5 एक्स वाई जेड स्क्वेयर, और बेटर है हम डिवाइड है तो ऐसा ही लिखेंगे अपॉन माइनस 5 एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, नंबर विल सॉल्व विथ नंबर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 थ्री जा 15 मीन्स नंबर तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लाइक टर्म्स देखेंगे, एक्स क्यूब और एक्स लाइक है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 3 है, ऑपरेशन जो है वो डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ वाई और वाई कैंसिल हो गया, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो इन दोनों की पावर क्या थी 1, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड सिमिलरली जेड 2 माइनस 2 हो जाएगा, सारी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई बिकॉज डिवीजन था, डिवीजन में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2, वाई टू द पावर 0, जेड टू द पावर 0, सो फाइनली यू हैव 3 एक्स टू द पावर 2। नाउ वाई टू द पावर 0, अगेन यहां पर एक प्रॉपर्टी रिकॉल करना होगी, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, कुछ भी, लेट से इफ यू हैव 100 टू द पावर 0 देन यू कैन डायरेक्टली राइट 1, कुछ भी अगर आपको दिया है x टू द पावर m टू द पावर 0 देन योर आंसर विल बी 0, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन। सो यहां पर क्या होगा आपका, y टू द पावर 0 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, z टू द पावर 0 की प्लेस पे भी 1 आ जाएगा, सो योर फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर, मींस आफ्टर डिवाइडिंग दिस टू बिगर एक्सप्रेशंस विल गेट दिस वेरी स्मॉल आंसर। ठीक है, तो डिवीजन और इजी है, बट वही बात फिर से रिकॉल करूंगी मैं कि डिवीजन सॉल्व करना है तो हमको प्रॉपर्टी एक तो याद रखना होगा कि बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, और बेस आपको पहचानना आना चाहिए, बेस सेम होंगे तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, एंड किसी की भी पावर 0 आएगी तो वो इक्विवेलेंट टू 1 होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन इज, अभी हमने सिंगल सिंगल टर्म ली तो आपको बड़ा इजी लगा कि अरे वाह डिवीजन तो बड़ा इजी होता है, मैम ने तो बिल्कुल जल्दी से हमें डिवीजन करा दिया, बट हमने क्या नोट किया यहाँ पर कि हमने जो टर्म ली वो मोनोमियल थी, दोनों टर्म मोनोमियल थी, सिंपल एंड इजी। अब व्हाट हैपन इफ वी हैव बाइनोमियल और कुछ और, तब क्या होगा? ठीक है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल,